हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम स्टोशियोमेट्री और आपका लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले अपन बात कर लेते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन क्या होती है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो अगली हेडिंग जो आती है आपकी, वो आती है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल बोथ साइड मींस एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नोन एज बैलेंसिंग इक्वेशन। ठीक है, क्या होता है कि आपका ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके कहते हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितने भी नंबर ऑफ एटम होते हैं हर एक एलिमेंट के, सबको इक्वल कर देते हो, उस पूरे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग इक्वेशन बोलते हैं। और इससे जो इक्वेशन मिलती है, एंड द इक्वेशन ऑब्टेन in which number of atom of all element are equal at reactant and product side are known as balanced equation। ठीक है, तो balancing of equation आप समझ गए। और उसके बाद जो equation मिलती है उसको अपन क्या बोलते हैं? balanced equation बोलते हैं। method of balancing equation को कितने तरीके से बैलेंस कर सकते हैं? तो पहला आता है आपका हीट एंड ट्रायल मेथड। ये 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। 10th में क्लास क्या करते थे आप? अनबैलेंस इक्वेशन लिखते थे, फिर एक टेबल बनाते थे, उसमें आप सारे एलिमेंट लिखते थे, फिर रिएक्टेंट में कितने आइटम है, प्रोडक्ट में कितने आइटम है, जो सबसे ज्यादा आइटम होते थे पहले उसको बैलेंस करते थे, फिर दूसरे को बैलेंस करते थे, फिर तीसरे को बैलेंस करते थे, उसको अपन क्या बोलते हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, फिर सेकेंड आता ऑक्सीडेशन मेथड। फिर आता है आपका हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है, इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहा जाता है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, ये बाकी के जो दो मेथड है आपके, हाफ रिएक्शन मेथड, ऑक्सीडेशन मेथड, ये आप अगर 11th क्लास में ही पढ़ेंगे। आपका जो रिडॉक्स रिएक्शन नाम का चैप्टर है वहां पर ये दोनों को बहुत अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी तो आप हीट एंड ट्रायल मेथड से कोई भी रिएक्शन को क्या कर देंगे? बैलेंस कर देंगे। तो एक बार रिएक्शन आपने क्या कर ली? बैलेंस कर ली। उससे हम बहुत सारी जानकारी निकाल सकते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में अपन हेल्प कर सकते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? स्टोशियोमेट्री। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं किसकी? स्टोशियोमेट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला जो हेडिंग आती है वो आपकी आती है स्टोशियोमेट्री।
स्टोशियोमेट्री, ठीक है। स्टोशियोमेट्री क्या होती है, तो सबसे पहले आप समझ लेंगे द कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन आर नोन एज स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड दिस बैलेंस केमिकल इक्वेशन प्रोवाइड क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन मास एंड वॉल्यूम एंड वॉल्यूम रिलेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट this analysis is known as stoichiometry। क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन उसके जो भी कोएफिशिएंट होते हैं, जैसे मान के चलो मैंने आपका लिखा AA+BB, क्या बना रहा आपका CC+DD बना रहा, तो ये जो AB C और D है, ये कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल D, ये तो क्या है आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, और ये जो आपके स्मॉल A स्मॉल B स्मॉल C स्मॉल D ये जो लिखे हैं ये आपके क्या है आपके कोएफिशिएंट है, आपके नंबर ऑफ मोल है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में किसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अगर मेरे को इसका मास पता है तो मैं इसका मास भी निकाल सकता हूँ कितना कंज्यूम हो जाएगा, इसका मास भी निकाल सकता हूँ कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, इसका मास भी निकाल सकता हूँ कितना प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर कोई कंपोनेंट क्या होगा गैसियस फॉर्म में होगा तो मैं उसका वॉल्यूम भी बता सकता हूँ। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है जिसमें आप क्या करते हो क्वांटिटेटिव रिलेशन बता देते हो, किसमें रिएक्टेंट के मास, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास और वॉल्यूम में, और आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वॉल्यूम में जो रिलेशन बता देते हो उसी को अपन क्या बोलते हैं स्टोशियोमेट्री कहते हैं, ठीक है। तो आपको अगर ये कैलकुलेशन करना है तो कौन कौन से स्टेप करने लगेंगे, ठीक है। तो फॉर दिस कैलकुलेशन following step are followed first write balance chemical equation second write number of mole of reactant or product as given or from
बैलेंस रिएक्शन. थर्ड आल्सो मेंशन मॉलिक्यूलर मास. ठीक है. फोर्थ आएगा इन केस ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट एसटीपी वन मोल गैस has volume 22.4 liter. So determine volume of gas with number of mole. ठीक. उसके बाद fifth apply यूनिटरी मेथड फॉर फर्दर कैलकुलेशन. यूनिटरी मेथड क्या होता है आप अच्छे से जानते हो. फिजिक्स आपने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है आपकी जूनियर क्लासेस में 7th, 8th, 9th में आपने पढ़ा है कि जैसे अगर मैंने बोला कि 10 आम 50 रुपए के आते हैं तो 5 आम कितने के आएंगे. इस तरह के क्वेश्चन आपने पढ़ेंगे. तो आपने पढ़ा 10 50 के आते हैं तो एक कितने का आएगा 50/10 यानी 5 रुपए का. जब एक 5 का आ रहा है तो 5 कितने के आएंगे. तो 5×5=25. इस टाइप की कैलकुलेशन करना है. तो आप बैलेंस इक्वेशन में देख लोगे कि भाई एक मोल रिएक्ट करके इतने मोल बना रहा है या इतने ग्राम रिएक्ट करके इतने ग्राम बना रहा है. तो आप क्या करेंगे पहले निकालेंगे 1 ग्राम कितना बनाएगा. ठीक है. फिर इतना ग्राम आपको दिया गया है तो ये कितना बनाएगा. तो ये सारी चीजें आपकी किससे होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से होती है. तो ये पूरा प्रोसेस क्या होता है स्टोशियोमेट्री होता है. ठीक है. अब मैं आपको इस पर क्वेश्चन करवा देता हूं. ठीक है. क्वेश्चन पहले सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं फिर थोड़ा सा लेवल पे भी जाएंगे. ठीक है. क्वेश्चन है कैलकुलेट मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन. अगर 16 ग्राम मीथेन जलती है तो कितने ग्राम वाटर बनेगा ये आपसे पूछ रहा है. ठीक है. तो कंबशन ऑफ मीथेन का फॉर्मूला आपको क्या होता है सॉल्यूशन अपन बात करें तो सबसे पहले आपका स्टेप क्या होगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना. तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4. कंबशन ऑफ मीथेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन होगा क्या बनाएगा CO2 बनाएगा प्लस H2O बनाएगा. ये अभी बैलेंस नहीं है. ठीक है. ये 4 है ये 2 है तो पहले इसी को बैलेंस करो. तो 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो. ऑक्सीजन कितनी हो गए यहाँ पर 4 हो गए यहाँ पर 2 हो गए. ठीक है. यहाँ पर कितने 2 मतलब ये 2 है और 2 4 हो गए तो यहाँ पर 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो हो गई रिएक्शन बैलेंस. ठीक है. अब पहला रिएक्शन बैलेंस हो गया. अब नंबर ऑफ मोल लिखो तो यहाँ पर कितना लिखा है 1 तो 1 मोल. ये कितना लिखा है 2 तो 2 मोल. ठीक है. ये कितना लिखा है 1 तो ये आपका 1 मोल और ये कितना लिखा है 2 मोल. ठीक है. तो यानी 1 मोल मीथेन क्या करता है 2 मोल वाटर प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है. तो या तो पहले नंबर ऑफ मोल से कर लो कि जो मास दिया उसको मोल में कन्वर्ट कर लो फिर देख लो कि कितने मोल वाटर प्रोड्यूस हो रहा है फिर उसको किसमें कर लो ग्राम में कर लो या फिर यहीं पर ग्राम में कर लो. ठीक है. कैसे आपका 1 मोल का इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है मीथेन का तो 12 और 4 16. ठीक है.
इसका क्या होता है ऑक्सीजन का 32, O2 का 32, तो ये क्या हो जाएगा 64, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना 44 और 18 18 दूनी 36, तो ये डायरेक्टली आंसर मिलेगा कि 16 ग्राम मीथेन रिड्यूसेस रिड्यूसेस कितना 36 ग्राम वाटर, ठीक है। अगर मान के चलो 16 नहीं होता, 12 होता, क्या होता 12 के लिए। अब आल्सो कैलकुलेट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ, इसमें क्वेश्चन ऐड करिए, कंबशन ऑफ 12 ग्राम मीथेन, ठीक है। 12 ग्राम मीथेन से कितना सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो आपका क्या है 16 ग्राम मीथेन प्रोड्यूसेस 44 ग्राम ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, तो 1 ग्राम मीथेन प्रोड्यूसेस रिड्यूसेस 44 बाय 16 ग्राम CO2, ठीक है। तो आपका 12 ग्राम मीथेन रिड्यूसेस क्या हो जाएगा 44 बाय 16 इंटू 12, तो क्या हो जाएगा 4 चौको 16, 4 3 है 12, 4 11, तो 33 ग्राम रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। 33 ग्राम रिड्यूस हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए, ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, समझ में आया किस तरह हम यहाँ पर कितने ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है ये भी पूछ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे इसी पर और किस तरह से पूछा जा सकता है। तो ये होता है आपका स्टोशियोमेट्री। स्टोशियोमेट्री में आपको कुछ भी एक चीज दे देंगे, बाकी सब चीजें आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो लेकिन उसके लिए आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन में अगर ये होता है तो आपका वॉल्यूम निकालने के लिए मोलारिटी इंटू वॉल्यूम क्या देता है, नंबर ऑफ मोल देता है। तो उस फॉर्मूले से आप करते हैं, वहां पर नंबर ऑफ मोल बताने के लिए क्या करते हैं, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम की इक्वेशन लगाते हैं। तो पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्या होता है, हाउ मेनी मोल ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ वाटर। क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल ऑफ मीथेन मीथेन रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वॉटर में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो मीथेन का कंबशन होता है तब आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वॉटर मिलता है, तो रिएक्शन वही होगी CH4, ठीक है, प्लस आपका क्या हो जाएगा CH4 प्लस ट्वाइस ऑफ O2, क्या बनाएगा CO2 प्लस आपका ट्वाइस ऑफ H2O, ठीक है। तो ये 1 मोल, ये 2 मोल, तो ये 1 मोल और ये आपका क्या हो जाएगा 2 मोल, ठीक है। ग्राम में देखें तो ये क्या हो गया 16, ये आपका 64, ये आपका 44 और ये आपका क्या हो जाएगा 36, ठीक है। तो क्या पूछा है कि कितने मोल मीथेन जलाएंगे तो आपका 22 ग्राम आपका क्या मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप समझो कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए कितना ग्राम मीथेन चाहिए, बाद में नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। तो 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस बाय 16 ग्राम ऑफ मीथेन, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय
प्रोड्यूस बाय 16y 44 ग्राम ऑफ मीथेन, ठीक है। तो 22 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय क्या हो जाएगा, 16y 44 इंटू 22 ग्राम ऑफ मीथेन, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 22 से 22 ये कितनी बार आएगा, 2, 8, ठीक है। तो 22 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय 8 ग्राम ऑफ मीथेन। आपसे मास नहीं पूछा, नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन पूछे थे। तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल आपको अच्छे से पता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन क्या हो जाएगा, मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो 8/16 यानी 1/2 मोल या 0.5 मोल, इतना मोल हो गया। अच्छा वॉल्यूम पूछ लेते, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 0.5 इंटू 22.4, क्योंकि एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 होता है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, 11.2 लीटर, ये आपका वॉल्यूम ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी स्टोशियोमेट्री। अब इसमें क्या होता है कि भाई मान के चलो 16 ग्राम ये, ठीक है, ये 64 ग्राम की वजह मैंने इसको 60 ग्राम दिया, तो क्या ये पूरा बनेगा, नहीं बनेगा, ये रिएक्शन 16 ग्राम को यूज ही नहीं कर पाया। 16 ग्राम के लिए 64 ग्राम चाहिए, लेकिन हमारे पास 64 नहीं है, कम है, तो ये रिएक्शन को क्या कर देगा, कम कर देगा, इतना प्रोडक्ट नहीं बनने देगा। तो रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग कंप्लीट होगी, इसके अकॉर्डिंग। फिर इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सारे कैलकुलेशन इसके अकॉर्डिंग करेंगे। मतलब यहां पर एक सब्सटेंस ऐसा भी हो सकता है जो पूरी रिएक्शन में सबसे पहले खत्म हो जाए, तो उसी के अकॉर्डिंग आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे, चाहे आपका प्रोडक्ट का हो, चाहे रिएक्टेंट का हो, किसी का भी कैलकुलेशन हो, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। और उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो अगली हेडिंग आती है आपकी लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट अ सब्सटेंस विच कंज्यूम्ड अर्लियर इन केमिकल रिएक्शन हैंस लिमिट द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट, इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। मतलब ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में क्या हो जाता है, जल्दी खत्म हो जाता है और केमिकल रिएक्शन को क्या कर देता है, लिमिट कर देता है, उसके अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट की वैल्यू डिसाइड होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल 14 ग्राम नाइट्रोजन
mixed with 6 gram hydrogen to form ammonia determine limiting reagent and mass of ammonia formed and mass of other reactant left. क्या है कि आपने 14 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट मिक्स किया है कितने ग्राम से 6 ग्राम हाइड्रोजन से क्या बनाने के लिए अमोनिया बनाने के लिए. तो पहले तो आपको पता करना है हमेशा यही पता करना रहता है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है मतलब पहले खत्म कौन हो जाएगा फिर जो खत्म हो जाएगा उसके बेसिस पे आपको निकालना पड़ेगा कि कितना अमोनिया फॉर्म होगा मास ऑफ अमोनिया आपको निकालना रहेगा. मास ऑफ अमोनिया निकाल लेगा फिर आपका जो दूसरा रिएक्टेंट है वो पूरा तो कंज्यूम होगा नहीं क्योंकि एक रिएक्टेंट तो पहले ही खत्म हो जाएगा तो दूसरा रिएक्टेंट कितना बचेगा ये भी आपको निकालना है. ठीक है तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको करने रहते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन. तो अमोनिया के फॉर्मेशन की रिएक्शन क्या है N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 क्या बनाएगी ट्वाइस ऑफ NH3 बनाएगी. कितने मोल 1 मोल कितने 3 मोल कितना बनाएगा 2 मोल. मास में बात करें तो ये कितना हो गया 28 14 एक एटम का मास होता है तो मॉलिक्यूल का 28 ग्राम इसका मास 6 ग्राम और इसका मास क्या हो जाएगा आपका 14 × 3 = 34 ग्राम. ठीक है तो आप समझो कि 28 ग्राम बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बोल रही है कि 28 ग्राम 6 ग्राम से रिएक्ट करके 34 ग्राम बनाता है लेकिन ये 28 नहीं है ये आपके पास कितना है 14 है ये 6 है तो ये कितना बनेगा ये पूछा है. तो भैया ये क्या है आपका जितना चाहिए था उससे क्या है कम है. ठीक है ये जितना चाहिए था उससे कम है 6 ग्राम को रिएक्ट करने के लिए कितना चाहिए 28 6 ग्राम ये तो है लेकिन ये कितना है 14 ग्राम है. या फिर आप ऐसा कर सकते हो देख सकते हो पूरा निकाल के देख सकते हो कि भाई ये तो आपका 6 ग्राम एग्जैक्टली पता हो गया मान के चलो ये 5 ग्राम दिया होता. ठीक तो 6 ग्राम के लिए कितना चाहिए 28 ग्राम तो 5 ग्राम के लिए कितना चाहिए होता तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए होता 28/6 तो 5 के लिए कितना चाहिए होता 28/6 × 5 तो वो अलग तरीके से आप निकाल लेते. तो अभी तो 6 दिया है हियर नाइट्रोजन कंज्यूम्ड अर्लियर हेंस नाइट्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट. तो यहां पर नाइट्रोजन क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा. बेटा इस टाइप के क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस मांगते हैं ऐसा नहीं कि एक दो क्वेश्चन से हो जाएगा आपको खुद से इसके क्वेश्चन करने हैं जो भी आपके पास अवेलेबल बुक है उससे क्वेश्चन जरूर करेंगे नहीं तो ये क्या होंगे बाद में भारी पड़ेंगे. ठीक है और यही जो क्वेश्चन होते हैं वो JEE नीट और CBSE के बोर्ड आपके स्कूल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. तो नाइट्रोजन क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट हो गया. अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग तो आपका अमोनिया कितना बनेगा तो 28 ग्राम नाइट्रोजन फॉर्म 34 ग्राम अमोनिया. ठीक है तो क्या हो जाएगा आपका 1 ग्राम नाइट्रोजन फॉर्म ये यूनिटरी मेथड है कि भाई इतना ये बनाता है बैलेंस के अकॉर्डिंग तो 1 कितना बनाएगा और जितना अपने पास अवेलेबल है वो कितना बनाएगा तो 1 ग्राम फॉर्म 34/28 ग्राम. ठीक है
देन 14 ग्राम नाइट्रोजन फॉर्म डायरेक्टली दिख रहा है आधा है, तो ये आधा, ये भी क्या बनेगा, आधा बनेगा, फॉर्म क्या हो जाएगा 34/28 × 14, तो ये 2 यानी ये आपका 17 ग्राम, तो कितना अमोनिया बन जाएगा, 17 ग्राम बन जाएगा, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन था वो कितने ग्राम यूज हुआ, तो आपका 28 ग्राम नाइट्रोजन रिक्वायर कितना, 6 ग्राम हाइड्रोजन, तो 1 ग्राम नाइट्रोजन रिक्वायर क्या हो जाएगा, 6/28 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपका 14 ग्राम नाइट्रोजन रिक्वायर क्या हो जाएगा, 6/28 × 14 यानी 3 ग्राम हाइड्रोजन, तो मास ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट क्या हो जाएगा, 6 − 3 यानी 3 ग्राम। अच्छा वॉल्यूम भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 मोल, ये कितना है 3 मोल, और ये कितना बना आपका 17, यानी 1/2 मोल। तो टोटल वॉल्यूम वगैरह भी आपका पूछा जा सकता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, वॉल्यूम पूछा जा सकता है, मास पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ मोल पूछा जा सकता है, कोई सी भी चीज पूछी जा सकती है। तो ये आपके क्वेश्चन यहां से पूछ जाएंगे। तो आज आपका चैप्टर खत्म हो गया, खत्म मेरे तरफ से हुआ, आपके तरफ से नहीं हुआ, आपको इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी रहेगी, किसकी, आपकी लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट की, ठीक है। जितनी ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएंगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब हम अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे, अगला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, प्रैक्टिस जरूर करिएगा, और कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल मेरे से डिस्कस करिएगा, ठीक है, थैंक यू।